जय श्री कृष्णा मेरे सभी भाइयों को। और मैं आपका दोस्त मनीष ठक्कर हमारी चैनल से फिर से उपलब्ध हूँ। और अब हम जा रहे हैं एक दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप पे, जो कि साउथ एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। वो देश तकरीबन 20 सालों तक युद्ध में रहा। देश के अंदर बहुत युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और पिछले 50 सालों में उसने जो अपना खूबसूरती निखारी है, पूरी दुनिया के लोग उस खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। सोचा हम भी चले। वैसे उस देश का नाम है वियतनाम। अभी अभी जहाँ यागी तूफान आया था, उसने भी थोड़ी बहुत तबाही की है। हम वो भी देखेंगे, देश की खूबसूरती भी देखेंगे और साथ ही उसकी कुछ हिस्ट्री भी जानेंगे कि 20 सालों तक युद्ध कैसे ये देश चलता रहा और क्या क्या तकलीफें हुई इसको। और हाँ, अगले 15 दिनों तक बैक टू बैक एक के बाद एक व्लॉग आते रहेंगे। तो आप सब भाइयों को देखना है और सुझाव भेजने हैं, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब ही करना है। मैं जहाँ से बैठा हूँ वहाँ से कुछ इस तरह का एयरपोर्ट का नज़ारा दिख रहा है। कुर्सियाँ सारी खाली है, उस तरफ कुछ लोग हैं, इस तरफ कुछ लोग। एक प्लेन की बोर्डिंग चालू हो गई है। हमारी तकरीबन 11:30 बजे होगी, अभी 10:30 बजे है। हमारी 11:30 बजे शुरू होगी बोर्डिंग। तो सुबह के पहली किरण के साथ ही हम पहुंच गए हैं वियतनाम। तो गुड मॉर्निंग वियतनाम। हम अभी हनोई के, जो कि यहाँ की कैपिटल सिटी है वियतनाम की, उसके नोई बाय एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं। और अब यहाँ से इमिग्रेशन करवा के पैसे चेंज करवाते हैं और सिम कार्ड ले लेते हैं। यहाँ का 10-12 दिन रुकना है तो हमें सिम कार्ड तो चाहिए ही, तो यहाँ का सिम कार्ड ले लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं अपनी होटल की तरफ। तो देखिए कैसे हम पहुँचते हैं होटल। टैक्सी करनी पड़ती है या फिर बस मिल जाती है, क्या पूरा सिस्टम रहता है। तो भाई करेंसी चेंज करवा ली है हमने यहीं से और अब बस के लिए निकलते हैं। हमने सिम कार्ड का तो देखा, लेकिन सिम कार्ड का तो कुछ अता पता है नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और सूझ भी नहीं रहा, क्योंकि बस का टाइम बहुत ही कम बचा है। अभी आधे घंटे में बस यहाँ से निकलने वाली है, तो हम हो सके इतना जल्दी होटल पहुँचना चाहते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं शॉप, वहीं से हमने करेंसी चेंज करवाई है। हम आपको ज़रा दिखा देते हैं कि वहाँ किस तरह के रेट रहते हैं। देखिए भाई, हर करेंसी का इस तरह रेट होता है, लेकिन ये जो सेलिंग लिखा है और बाइंग जो लिखा है, आपको बाइंग के भाव देंगे, वो सेलिंग के भाव नहीं देंगे।
मतलब कि हमें 24,680 रुपया एक डॉलर का मिला है, जो कि गूगल में हमने देखा USD टू VND तो उससे तो बहुत ही बेहतर था, उससे कम से कम 50-60 रुपया ज़्यादा, 50-60 डाउन ज़्यादा था। तो ठीक है, सॉरी मैम, हम यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ये कैसा है नई बॉय एयरपोर्ट। चलो यहीं से एग्जिट है, हम पहले एग्जिट ले लेते हैं। सर सिटी बस, तो भाई यहाँ से कुछ इस तरह की बस जो है वो 86 नंबर की आएगी हमारे लिए और वो हम पहुँचाएगी सीधे ही हमारे हॉस्टल के आसपास। तो चलते हैं और देखते हैं। सर शायद वहीं पड़ी हुई है 86 नंबर की बस और हमें शायद मिल जाएगी। भाग के जाना पड़ा क्योंकि बहुत ही कम समय बचा था। तो देखते हैं अभी क्या होता है। और इसका फेयर कुछ जो है वो 45,000 डोंग का है, मतलब कि 45,000 डोंग का, देख लेते हैं। तो वही वो हमने आपको जो दिखाई थी वही बस है ये और हमें मिल गई है। बस 5-7-10 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। कोई वैसे तो है नहीं पैसेंजर क्योंकि सब लोग टैक्सी करके जाते हैं और वो टैक्सी वाला हमको 2,80,000 डोंग बोल रहा था, मतलब के आप समझ लीजिए कि 1,000 रुपये। और ये आ गए हैं कंडक्टर साहब जो टिकट देंगे हमें। ठीक है, तो टिकट लेते हैं। बस के ऊपर भी आपको दिखा मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये 45,000 डोंग ही लेती है। और ये कुछ विदेशी नागरिक भी आ गए हैं क्योंकि विदेशी नागरिक हमेशा ही चीप से चीप जो चीज़ होती है वो ढूंढते हैं और वही अच्छा है क्योंकि पैसे खर्च करो मगर ऐसे मत करो कि आप उल्लू भी बन रहे हो और आपको ज़्यादा खर्चे में कम मज़ा आ रहा है। तो आप ऐसे खर्चा कीजिए कि जैसे ये गोरे लोग जो होते हैं वो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं और वही चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप सेफ भी रहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते। फ्लाइट की बात करें तो हम जो कल बैठे थे रात को 12:10 का टाइम था और 11:30 ही टेक ऑफ कर ली थी पायलट साहब ने। और हुआ कुछ ऐसा कि एक तिहाई पैसेंजर थे, मतलब कि अगर 100 सीट है तो 33 आदमी ही प्लेन में थे। सब ज़्यादातर लोग जो थे वो सोते ही थे, मैं भी खुद ही पहली बार प्लेन में सोने का मौका मिला, बहुत कम लोगों को मिलता है। प्लेन अगर खाली हो तो ही आप सो सकते हैं। अब चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ और देखते हैं नज़ारे किस तरफ के हैं। मैं रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा अगर कुछ अच्छा देखने लायक आया तो। अहमदाबाद एयरपोर्ट पे तो हमको बहुत जवाब देना पड़ा कि
वीजा लाओ, फिर से रिटर्न टिकट दिखाओ, वहाँ से कहाँ जाने वाले हो उसका टिकट दिखाओ, वहाँ से इंडिया का रिटर्न दिखाओ, सब टिकट हमने तो कंप्लीट ही थी। होटल बुकिंग इंडिया में मांगते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं पूछते, आपको कुछ भी नहीं पूछते यहाँ, सिर्फ आप आए, पासपोर्ट स्कैन किया आपका, थप्पा लगाया और बाहर। वैसे आई एम सॉरी, लेकिन मोबाइल का बैटरी कभी भी ख़त्म होने वाला है, तो हम पहले होटल चले जाते हैं और वहाँ थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे कि ये बस में तो हम जहाँ से उतरेंगे वहाँ से आपको दिखा देंगे कि यहाँ से उतर के हम इस तरह पैदल या किसी भी तरह गए। वहाँ से तो बहुत कम है, आधा किलोमीटर जैसा ही होटल है जहाँ हम उतरने वाले हैं वहाँ से। तो पहुँचते पहले वहाँ पॉइंट पे, और पॉइंट से हम आपको चल के दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, मतलब कि होटल कहाँ पड़ता है। सॉरी, हॉस्टल में आने के बाद 2-3 घंटे में सो गया था, अभी हुए हैं ऊपर के 12:30, 11:30 बजे हैं। तो अभी हम निकलते हैं और देखते हैं हनोई की गलियां और कहाँ कहाँ घूमने लायक है वो भी देख लेते हैं, और मैं आपको एक छोटा सा मेरा हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। ये भाई तीसरे माले पे हमारा ये हॉस्टल का रूम है, ये कुछ इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉर्मेट्री बेड है इसमें, इस तरह से। और ये वाला 7 नंबर हमारा है, तो हम यहीं सो गए थे आके। और अब करते हैं लाइट बंद। पचास गज में पूरा हॉस्टल खड़ा कर दिया है, और वो भी 6 माले का। सोचिए 60 या 70 गज ही होगा, उतने में पूरा हॉस्टल खड़ा कर दिया है। बाजू बाजू में सारी बिल्डिंग है। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ ग्राउंड फ्लोर का कोई सिस्टम नहीं होता, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फिर आगे जैसे भी चलता हो वैसे। इस तरह का कुछ रिसेप्शन है, बैठे हो। और हॉस्टल का नाम है डाउनटाउन हॉस्टल एंड रूफटॉप, इस तरह का कुछ है, अच्छा खासा है। If you are see any thief, मैंने उसको बोला कि मैंने अपना लॉकर पे लॉक डाल दिया है, अपना लॉक डाल दिया है, मतलब कि लगा दिया है। तो बोला मैं अगर किसी थीफ को देखूंगा, चोर को देखूंगा, तो मैं उसको मारूंगा। ठीक है भाई, सुबह तो बहुत बारिश थी तो हम कुछ दिखा नहीं पाए थे, लेकिन ये देखिए अभी कुछ इस तरह का पूरा सिस्टम है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भगवान जी भी बैठे हैं। और यही वो जगह है जहाँ रात को बियर स्ट्रीट लगती है, मतलब कि पार्टी शार्टी होती है, तो हमने यही हॉस्टल रखा है। और अब हम चलते हैं कहीं घूमने के लिए और आपको दिखाते हैं क्या है पूरा सिस्टम। यहाँ ये देख सकते हैं आप वियतनामीज कैप,
पारंपरिक है। सुबह हमने सिम नहीं ली थी तो अभी देखते हैं कोई सिम वाला हो तो इधर सिम परचेस कर लेते हैं और डालते थे फोन में ताकि काम चलता रहे और कुछ ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। दिस इज अंगूर, दिस इज अंगूर, अंगूर देखिए कितने लंबे लंबे और हमारी तरह के भी है यहाँ। हेलो, यहाँ हमने ये बच्चे से बात की है और $100 में ये हलोंग बे और निनबिन इस तरह का कुछ नज़ारा है। हमारी जाने की इच्छा तो थी सापा, ये आप देख सकते हैं सापा का नज़ारा कुछ इस तरह का रहता है, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी वहाँ लैंडस्लाइड हो रही है सापा में। तो सापा में तो भाई लैंडस्लाइड हो रही है तो हमने होटल भी वहाँ का बुक करवाया है लेकिन आज कैंसिल करवा देंगे, क्या करें और कोई चारा तो है नहीं। अगर लैंडस्लाइड हो गई और हम फंस गए कहीं तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा हमारे साथ, इसलिए वो हम कैंसिल करवा रहे हैं और हलंग बे और ये निनबिन जो बोला है उसका कुछ देखते हैं। ये कुछ हमने थाईलैंड में भी देखा था और इधर भी है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। और ये कुछ फ्रूट्स है इस तरह के और सीताफल देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं। और ड्रैगन फ्रूट भी इतने ही बड़े हैं। बाबा ये क्या है, देखिए तो भाई घूमते घूमते हो गए थे बहुत टायर्ड और भूख भी जोरों से लगी थी। तो यहाँ एक गुजरात रेस्टोरेंट है जहाँ हमने गुजराती थाली मंगवाई है जो कि है 200 भिंडी मतलब के 600 रुपए के आसपास के, बस 600 के आसपास की हुई, 600-700 रुपए के आसपास की हुई। तो हम देखते हैं वो और आ जाए तो आपको भी दिखाते हैं कि कैसी है गुजराती थाली। तो खाना इतना कुछ खास था नहीं, जो हमारे यहाँ मिलता है वैसा ही था और समझिए कि 3 रोटी 2 सब्जी दाल भात पापड़ छाछ बस इतना ही था। अब इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और शाम को फिर निकलेंगे हम, यहाँ के आपको नाइट लाइफ दिखाएंगे और देखते हैं क्या हो है नाइट लाइफ में। यहाँ सब नज़दीकी है हमारे, कुछ भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें आपके सुझाव दीजिए, हमें आपके सुझाव की सख्त ज़रूरत है तो प्लीज़ सुझाव दीजिए।